आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अष्टमी नवमी पर बनने वाला बना लहसुन प्याज के काले चने की रेसिपी। इसे बनाना सबको आता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ उससे हर एक चने पर मसाला बहुत ही अच्छी तरह से कोट होगा और एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ओवरनाइट सॉफ्ट काला चना लिया है, जिसे अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अब हम इसमें एक गिलास के बराबर पानी डाल देते हैं और इसकी 3 से 4 सीटी ले लेंगे। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तो आप इसे ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा चना कितनी अच्छी तरह से पक गया है। अब एक स्पेशल मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है, 1/4 ही हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच के बराबर आमचूर पाउडर लिया है। इन सब में अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इनका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन दिया है, इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच तेल। आप चाहे तो इसे घी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म होगा हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हींग, राई और जीरा। राई जीरा जैसे तड़क जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हमारा जो मसालों का पेस्ट हमने बनाया है वह डाल देते हैं और इसे भी अब हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही यह मसाला पककर तैयार हो जाता है। जब आपको इस तरह से ऑयल सेपरेट होते हुए दिखे तो यह मसाला पककर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम बॉईल किया हुआ काला चना डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह अष्टमी नवमी पर स्पेशली नवरात्रि के टाइम बनाया जाता है, बिना अदरक लहसुन और प्याज का यूज़ करके। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कुछ मसालों के पाउडर का ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि मसाला अच्छी तरह से हर एक चने में चला जाए और इससे चना थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है ढककर पकाने के बाद। तो मेरा वो क्लिप हट गया था, मैं नहीं जोड़ पाई हूँ उसमें कि मैंने इसे ढककर ही पकाया था 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसे इस तरह से ओपन में 1-2 मिनट पका लें। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो स्वाद अनुसार नमक डाल लें और आपके पास हरा धनिया हो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा काला चना का। तो यह काला चना चाट बनाकर भी आप खा सकते हैं, बिना अष्टमी नवमी के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यह हमारा अष्टमी नवमी पर बनने वाला बिना अदरक लहसुन प्याज का काला चना बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।